बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 11 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 10 भाग पूरे कर लिए हैं और जिसमें हमने प्रश्नावली 11.3 शुरू कर दी थी। बच्चों हमने इसके 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 11 और प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 7 से 12 तक। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों एक आकृति दी हुई है जिसमें एक अर्धवृत्त बना हुआ है, पूरा वृत्त तो पूरा ऐसा होता है लेकिन यहाँ आधा वृत्त है जिसका हमें व्यास दिया हुआ है, इसका परिमाप निकालना है। तो बच्चों देखो हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है इसमें परिमाप, चारों ओर की दूरी, तो एक तो ये दूरी और एक व्यास की दूरी, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप हमें पता चल जाएगा। अब बच्चों ये दूरी कितनी है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल जो वृत्त होता है ना उसके चारों ओर की दूरी क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, लेकिन ये परिधि की आदि है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वृत्त की परिधि की आदि। तो हमें बच्चों वृत्त की परिधि निकालनी है फिर उसकी आदि करनी है। तो सबसे पहले देखो वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10 की आधी यानी 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, वृत्त का वृत्त की परिधि, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, तो 2 × r की जगह पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7। तो बच्चों देखो 2 × पाई की जगह 3.14 और r की जगह 5, तो बच्चों कितना आएगा, देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, तो 3.14 × 10 तो हमारा आ गया 31.4 सेंटीमीटर। ये आ गई बच्चों वृत्त की परिधि। लेकिन बच्चों हमें तो पूरी परिधि नहीं चाहिए, हमें परिधि की आधी चाहिए क्योंकि ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि तो बच्चों इसकी आधी कर देंगे, तो 31.4 में 2 का भाग लगा दो तो बच्चों 15.7 सेंटीमीटर, ये आ गई अर्धवृत्त की परिधि। अब परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, तो बच्चों कुल परिमाप, चारों ओर की दूरी तो परिमाप होता है बच्चों, तो कुल परिमाप आ जाएगा 15.7 और इसमें जोड़ देंगे व्यास यानी 10 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 25.7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 समझे, हमें क्या दिया होता है, एक अर्धवृत्त दिया होता है उसका परिमाप पूछा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पहले तो परिधि का आधा और उसमें व्यास को जोड़ देंगे, तो व्यास दिया हुआ है तो हमने इसका परिधि निकाल ली त्रिज्या निकाल के, और परिधि निकालने के बाद अर्धवृत्त की परिधि में 2 का भाग लगा दिया तो 15.7 आ गया। अब बच्चों देखो कुल परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि में व्यास को जोड़ दिया तो 25.7 सेंटीमीटर हमारा इसका परिमाप आ गया। ठीक है बच्चों समझ गए सभी, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का वेग ज्ञात कीजिए। एक वर्ताकार टेबल है, तो बच्चों एक वर्ताकार टेबल बना ली, क्या दिया हुआ है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, हमें कलर करने की दर दी हुई है 1 वर्ग मीटर की 15 रुपये, और क्या दिया हुआ है कि 1.6 मीटर व्यास, व्यास कितना है 1.6 मीटर, इसके ऊपरी सतह पर पॉलिश करनी है, मतलब इसके क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल है ना इसका, इस पर हमें पॉलिश करनी है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, तो व्यास में 2 का भाग लगा देंगे 1.6/2। ठीक है बच्चों 1.6/2 ये क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या मीटर। अब आगे क्या पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई का मान कितना लेना है 3.14 और 1.6/2 × 1.6/2। अब बच्चों 2 का भाग देना है किसमें 1.6 में, तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 × 2 0.8 बार, 2 × 2 0.8 बार, तो बच्चों देखो इनको गुणा करो 3.14 × 8, को 8 से गुणा करेंगे तो बच्चों 8 × 64 तो ये आ जाएगा 0.64,
0.64, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है, और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा ली। अब 3.14 को गुणा करना है 0.64 से, तो गुणा करो बच्चों, देखो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 6 चौक 24, 8 18, तो कितना आ गया बच्चों, 6 9 0 0 2, कितना आ गया। आप देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 संख्या छोड़ गई, तो 2.0096, कितना आ गया बच्चों, 2.0096, और क्षेत्रफल है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसके टेबल का क्षेत्रफल 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका खर्चा निकालना है कि कितना खर्चा हुआ, तो बच्चों एक मीटर का, एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है बच्चों, 15 रुपये, तो अपने कितना आ गया 2.0096 वर्ग मीटर का खर्च, तो बच्चों इसको गुणा कर दो, 2.0096 × 15, तो 15 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो बच्चों कितना आएगा देखो, 2.0096 × 15, गुणा करो देखो, 5 6 30, 48, 4 0 10, 6 9 0 0 2, तो 0 4 1 1 0 3, तो 30.14, कितना आ गया बच्चों, 30.144 रुपये, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, कितना आएगा 30.144 रुपये, क्या आएगा ये टेबल पर कलर करने का खर्च, पॉलिश करने का खर्च, कितना आ गया 30.144 रुपये। समझ में आ गया बच्चों सभी को, हमने सबसे पहले क्या किया, वृत्त के व्यास से त्रिज्या निकाली, फिर क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्षेत्रफल पॉलिश करने का क्षेत्रफल पता चल गया। अब 15 रुपये एक मीटर का खर्चा है, तो इसको 15 से गुणा कर दिया तो हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, क्वेश्चन नंबर 8 उतार लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। बच्चों देखो, एक तार है 44 सेंटीमीटर लंबी, ये तार हमने लिख ली कितनी है 44 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़कर क्या किया, एक वृत्त बनाया, ये इसको मोड़कर वृत्त बना लिया, तो बच्चों इस तार की लंबाई इस वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वृत्त भी इतना ही लंबा है जितना तार था, तो बच्चों वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई, तो बच्चों वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, परिधि आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। अब आगे क्या पूछा है बच्चों, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की परिधि 44 है, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है 44 के बराबर, क्योंकि हमें 44 दिया हुआ है इसलिए 44 के बराबर हो गया। अब बच्चों देखो पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7, तो 2 × 22/7 गुणा आर बराबर 44, बटा 1 लगाकर क्या करेंगे, वज्र गुणन, तो इधर अंश किस गुणा हर से, और हर का गुणा अंश से, तो 2 × 22 × r बराबर 44 × 7। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी के, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 44 × 7/2 × 22, तो देखो बच्चों 22 का 44 में 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल, तो r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर की जगह कितना आ गया 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 × 7 कितना होता है बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, आंसर आ गया सभी के 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस 44 मीटर लंबे तार से हमने एक वृत्त बनाया, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने क्या किया, पहले वृत्त इसकी परिधि के बराबर इसकी लंबाई हो गई, तो हमने क्या किया, वृत्त की परिधि को 2πr को 44 के बराबर लिखा, फिर क्या किया,
आज का आर का मान निकाला जो आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 7 रख दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, हमारे आंसर कितने आ गए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इसी तार को एक वर्ग बनाया तो वर्ग की भुजा बतानी है, तो बच्चों देखो तार को हमने वर्ग बनाना है, ये वर्ग बना दिया तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, तार की लंबाई के बराबर। तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर तार की लंबाई, तो बच्चों वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, वर्ग का परिमाप हो गया 44 सेंटीमीटर, क्योंकि तार इतना ही लंबा है। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा बराबर 44, तो बच्चों भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 44 में 4 का भाग लगा देंगे तो भुजा आ गई बच्चों 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई बच्चों, 11 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गई 11 सेंटीमीटर, ये भी 11, ये 11, ये 11 और ये 11, जिससे टोटल कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है सभी का, उतार लो इसको शुरू से, यहाँ से यहाँ तक उतारना है पहले तो, फिर आगे वर्ग बनाया वो उतारना है, ठीक है बच्चों, फिर ये उतारना है आगे, समझ गए सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट दे, ये टोटल शीट कितनी है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की, इसमें से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त, ये दोनों वृत्त कितने हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, और एक 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई के एक आयत को निकाल दिया जाता है, ये सभी को हमने से इनमें से निकाल दिया, तो बच्चों शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी आकृतियों का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से, तो बड़ा वृत्त है ना इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों 22/7 × 14/14, क्योंकि त्रिज्या है 14 के बराबर, तो 22/7 × r² यानी r को दो बार लिखना है, तो 14 × 14, अब देखो 7 × 7 = 14, तो 22 को 2 से गुणा किया तो 44 × 14, बच्चों 44 को 14 से गुणा करो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इस पूरी वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे वृत्तों का निकालना है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों 22/7 × 3.5 × 3.5, तो बच्चों देखो 7 × 7 = 7×5 = 35, तो कितना आ गया, आप पॉइंट हटाओ, देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 और इससे भी नीचे 10, तो ऊपर तो आ गया 5 और 35 और यहाँ 10 और 10, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे 0 लग जाते हैं। अब देखो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5×7 = 35, 5×2 = 10, 2 × 2 यहाँ 11 बार, तो ऊपर तो क्या आ गया 11 × 7 और नीचे आ जाएगा 2, तो 11 को 7 से गुणा करो कितना आएगा 77/2, तो बच्चों 2 × 3 = 6, 77 में 2 का भाग 2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो एक वृत्त का आया, लेकिन कितने हैं बच्चों, छोटे वृत्त है 2, तो 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, इसको बच्चों 2 से गुणा कर देंगे तो 38.5 × 2, तो बच्चों आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया बच्चों इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। अब हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दे रखी है बच्चों 3 सेंटीमीटर और बच्चों चौड़ाई कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों, सूत्र याद है सभी को, आयत के वर्ग के, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 1, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। अब बच्चों इनको अगर बाहर निकाल दे पूरी वर्गाकार शीट में से, दो छोटे वृत्त और एक आयत को बाहर निकालेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अगर इनको माइनस कर देंगे तो हमारे शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल की जगह 616 माइनस दो वृत्तों का क्षेत्रफल 77 और आयत का क्षेत्रफल 3। तो बच्चों 77 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 80। 616 में से 80 गया तो देखो कितना बचेगा? 6 और इसमें से गया तो 53। तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों शेष क्षेत्रफल कितना आ गया? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? क्या पूछा था कि 14 सेंटीमीटर का एक पूरा वृत्त है, उसमें 3.5 सेंटीमीटर दी जाएगी, दो छोटे वृत्त और 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई का एक आयत बाहर निकाल दिया, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो पहले तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाला 616, फिर छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल निकाला दोनों का, तो दोनों का कितना आ गया? 77। अब फिर निकालना था आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितने? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल में से दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी इसको? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों देखो एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट है, इसमें से एक वृत्ताकार टुकड़ा काट दिया जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बच्चों वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा की दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यह भुजा गुणा भुजा। तो बच्चों 6 गुणा 6 कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे वर्ग का क्षेत्रफल। अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह रखना है बच्चों 3.14, तो 3.14 गुणा 2 गुणा 2, तो 3.14 को गुणा करो 4 से, कितना आएगा बच्चों? 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 4 3 12, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। तो शेष क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल क्षेत्रफल वर्ग का कितना है? 36, तो 36 में से माइनस कर देंगे 12.56 को। तो बच्चों माइनस करो, देखो 4 4 3 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? कुल जो शीट का क्षेत्रफल है उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे शेष शीट का क्षेत्रफल आ गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो इसको क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है कि एक वृत्त की परिधि दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी है बच्चों? 31.4 सेंटीमीटर।
वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि क्या होती है बच्चों? 2πr बराबर 31.4 सेंटीमीटर। अब बच्चों पाई का मान कितना रखना है? 3.14। तो 2 × 3.14 गुणा आर बराबर 31.4। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 31.4 बटा 2 × 3.14। अब बच्चों देखो, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 से गुणा हो जाएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा 100 से, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है और ऊपर पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो नीचे 10 और ऊपर 100। अब देखो 314 से 314 कैंसिल हो गए, ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा? 10 में 2 का भाग, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 सेंटीमीटर। बच्चों हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा था? वृत्त की त्रिज्या निकालो, तो त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई की जगह रखना है 3.14 और आर की जगह 5, तो 3.14 को गुणा करना है 25 से। तो बच्चों गुणा करो, देखो कितना आएगा, 3.14 गुणा 25, 5 × 20, 6 × 7 = 15, 8 × 2 = 6, तो 0 × 5 = 8 = 7, 78.50। तो बच्चों कितना आ गया? 78.50 क्या है बच्चों? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? त्रिज्या तो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया सभी के? बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। थैंक यू।